मच्छोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर प्रांगण से पांडित्व परंपरा और विद्वत धारा निर्झर भई। अवसर था एकात्मे विजय नारायण महेशियों विषयक शास्त्री संगोष्ठी का, जिसमें संस्कृत के रक्षक और पोषक उद्धृत विद्वान जुटे, सारगर्भित विषय पर मंथन किया। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। काशी विद्वत समवाय समिति की ओर से मंगलवार को आयोजित शास्त्रीय संगोष्ठी में श्री स्वामी नारायण संप्रदाय में भगवान श्री स्वामी नारायण के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए शपत्री में प्रतिपादित वेदानुमोदित सिद्धांत नारायण और महेश के एकात्मकता विषय में वेद, रामायण, महाभारत, भारतीय दर्शन, पुराण एवं साहित्य से उदाहरण के साथ व्याख्यान दिया गया। सारस्वत अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ला ने कहा कि यह विषय चर्चा से परे है। इस पर किसी तरह का संशय या संदेह ही नहीं कि हरि और हर में कोई भेद है, दोनों ही एक रूप है। उपासना पद्धति में अवशेष भेद है, लेकिन यह अभेद परम तत्व की प्राप्ति तक पहुँचने का मार्ग है। उन्होंने संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास के पद का उल्लेख करते हुए कहा कि विष्णु और शिव की उपासना का तात्पर्य परम तत्व को प्रसन्न करना है। प्रोफेसर शुक्ला ने संगोष्ठी के पूर्वार्थ में सम्मानित पंच स्वामियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने श्रम और कर्म में और अच्छा प्रयास करते रहने की बात कही। विशिष्ट अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि सभी ईश्वर एक है। उनकी साधना, उपासना और साध्य का व्यक्तित्व अलग जरूर है, लेकिन अंतिम बिंदु तक सभी मार्ग पहुँचते हैं और वही शिव, ब्रह्मा और विष्णु है। इनके अलावा संगोष्ठी में बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के कुलपति प्रोफेसर नवांग सामतेन, मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्बा रायडू सहित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने भी विषय के संदर्भ में विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का शुभारंभ समस्त मंचासीन अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसी क्रम में मंगलाचरण के पश्चात पंचदेव स्वरूप 5 मूर्धन्य आचार्यों को सम्मानित किया गया। इसमें श्री नारायण देव गादी अहमदाबाद के जेतलपुर मंदिर के स्वामी श्री पुरुषोत्तम प्रकाश दास जी, श्री लक्ष्मी नारायण गाड़ी वड़ताल स्वामी नारायण मंदिर के स्वामी नौतम प्रकाश दास जी, भुज मंदिर के वेदानाचार्य स्वामी सत्य प्रसाद दास जी, जूनागढ़ मंदिर के स्वामी भानु प्रकाश दास जी, पोरबंदर और गठपुर मंदिर के स्वामी निर्लप स्वरूप दास को मानपत्र के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी सम्मानित विद्वानों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। गोंडा से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट।